गाइस कैसे आप सभी लोग। मुझे पता है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आपने देखा था लास्ट एपिसोड में तो इतना कुछ खास नहीं था, पर इस एपिसोड में हम बहुत ही मज़ेदार चीज़ें करने वाले हैं। तो फटाफट से पहले गेम को स्टार्ट कर लेते हैं, और मैं साउंड थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो फटाफट से अभी ना मुझे मेरी सर्वाइवल वर्ल्ड में जाना है और आपको दिखाना है कि मैंने पिछले मतलब इतने दिनों से मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली। उसका मैं अभी रीज़न बताने वाला हूँ आपको। तो पहले ना 2 मिनट गाइस चलना, जब तक ये लोड हो रहा है। अरे लोड हो भी गया क्या, मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मतलब मैं ऐसे छुप छुप के जाऊँगा, मतलब यार मैं रिवील तो हो चुका है वो सब। डैन टाड़े गाइस ये देखो, इतने महीनों से मैं यही ग्राइंड कर रहा था। और एक स्पेशल चीज़ है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और मैंने इसे सजाने के लिए इधर मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने इधर स्लैब्स लगा दिए। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलने के बाद है एकदम सरप्राइज चीज़ गाइस। ये देखो मेरे पास अभी मतलब ये आर्मर मैंने इधर ऐसे सजावट के लिए रख दिया है, और इस चेस्ट में कुछ नहीं है। मतलब वो मैंने एक ना पीछे एक फार्म बना रखा है फूड का मेरे लिए। और एकदम बहुत ही स्पेशल चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ बाद में, फटाफट से मैं ना तो वो आपको बता देता हूँ। मतलब मैंने वो अभी पहले ना अपन सो जाते हैं, और धीरे धीरे करके मैं आपको सब मेरी नई चीज़ें इस वर्ल्ड की दिखाने वाला हूँ। तो अभी फटाफट से नीचे चलते हैं, और मेरे पास और एक कुत्ता आ गया। ये देखो गाइस, ये और एक कुत्ता आ गया। तो गाइस मतलब ये मैंने फार्म बना रखा है, फार्म का मैं इंटीरियर आपको बाद में दिखाऊंगा, और अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको एकदम मस्त चीज़ जो है मैंने एक मस्त सा सीक्रेट बेस बनाया हुआ है। तो जो भी बंदा इधर आएगा उसको लगेगा ये क्या है, मामूली सा पानी है, पर उसको मालूम नहीं इसके अंदर है एक बहुत अच्छा सा सीक्रेट बेस। और इधर लिखा है गाइस सब्सक्राइब, तो जाके सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी करने दा। तो इधर मैंने ये रखा है, और ये जो 13 के 13 डायमंड्स है ना, ये मैंने बहुत दिनों से ग्राइंड किए हैं। इतने सारे चीज़ें और इतने सारे लजुली फजुली ये जो है, और इतने सारे कोल, ये मैं बहुत दिनों से ग्राइंड कर रहा हूँ गाइस इसको, मतलब कोल को नहीं पर मिलता है ना माइनिंग करने के लिए। तो अभी मैंने सीक्रेट बेस भी दिखा दिया है, तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको वो स्पेशल चीज़ जो अभी तक मेरी बनी नहीं है पर मैं बना रहा हूँ। और वो है लैंटर्न से आपको, मतलब मुझे नहीं मालूम आपको पता चल गया हो गया कि नहीं, वो है डैन। गाइस मैं इधर जू बना रहा हूँ, जू बनाने के लिए इधर जू बना रहा हूँ इधर, और इधर मॉब्स आए भाई, इधर मैं जू बना रहा हूँ। अबे मॉब्स कहाँ से स्पॉन हो रहे हैं? तो और आपने अगर सीक्रेट बेस में एक चीज़ नोटिस की होगी कि मेरे आयरन इंगट इतने कम क्यों है, वो इस लैंटर्न की वजह से। मैंने 64 के 64 लैंटर्न क्राफ्ट कर दिए थे, इसलिए इतने कम हो गए वो आयरन इंगट सॉरी। तो अभी ओ भाई 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 बच गया। तो इधर मुझे ना ये पूरा तो कंप्लीट हो चुका है, अभी बस मेरे को ना इधर ये एनिमल्स को डालना है, एनिमल्स को
और हम इसके आगे वाले वीडियो में नेदर में भी जाने वाले हैं। अभी नेदर पोर्टल मैंने बनाया नहीं, और जाने वाले हैं। और इधर एनिमल्स को डालने के लिए आपने देखा होगा कि मेरे पास बहुत ढेर सारा वीट है, और ये फार्म है मेरा, मतलब कुछ भी, मतलब एक गाय रहती थी इधर, उसको किसी ने तो मार दिया, मतलब मैंने मार दिया, समझ गए होगे गाइस। फटाफट से ना पहले तो ऊपर चलते हैं, वो काम मैं बाद में कर दूंगा, क्या बोलते हैं एनिमल्स को डालने में। तो गाइस मैंने इतना ही सोचा था कि, मतलब मैंने ज़्यादा नहीं सोचा कि क्या क्या करेंगे आज, बट मैंने इतना ही सोचा था कि, और आपको एक चीज़ की ये होगी ना, क्या बोलते उसको, और आपने एक चीज़ अभी तक नोटिस की होगी कि मेरे पास क्वार्ट्ज ब्लॉक कहाँ से आए। तो क्वार्ट्ज ब्लॉक ना, पहले तो मैं ना इधर ही ऐसा ही एक्सप्लोर कर रहा था, और मतलब जा मुझे मालूम नहीं, मुझे ऐसे ही मैं आगे आगे भटक गया अपने घर का रास्ता, और मुझे वहाँ पे एक लावा पूल मिला, तो उधर से मैंने नेदर पोर्टल बनाया और मैं नेदर में चला गया। तो मुझे आइडिया आया, क्यों ना मैं उधर बहुत सारे क्वार्ट्ज थे, तो मुझे आया आइडिया आया कि क्यों ना मैं अगर जू बनाऊँ तो कितना मस्त लगेगा। तो मैंने अभी वही किया, पर अभी वो नेदर पोर्टल का जो है ना उधर में, मतलब उधर मैंने नेदर पोर्टल बनाया, उधर का नेदर पोर्टल का मुझे याद नहीं आ रहा है अभी वो किधर था। और लैंटन का आपको मैंने बता ही दिया, ग्लास का तो कुछ नहीं है, ग्लास का तो सिंपल है, सैंड तोड़ो और वो करो। तो गाइज मैंने मतलब अपने वर्ल्ड को ट्यूर करने के लिए ही बनाई थी इस वीडियो, ऐसा तो मुझे कुछ सोच नहीं रहा था। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे अगले गेम प्ले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।